नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। और देखिए, 2024 देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा, इसलिए देश के सियासी मोर्चे पर जो हलचल है वो बड़ी तेज है। और दिसंबर की सर्दी में देश की चुनावी सियासत काफी गर्म है। दावे हो वादे हो, इन दोनों के बीच सवाल भी तैर रहे हैं। मसलन जीत की हैट्रिक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आश्वस्त हैं? आखिर वो कौन सा सियासी फॉर्मूला है जिससे बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाली है? हम आपको बताएंगे जिस वोट बैंक पर इंडिया अलायंस की नजर है, उस बारे में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी और पक्की खबर है। उद्घाटन से पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के आंगन में बना ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट भर नहीं है, ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां से प्रधानमंत्री मोदी 2024 की सियासी उड़ान को नया आयाम देने वाले हैं। राम मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार इस एयरपोर्ट से बीजेपी ऐसी सियासी उड़ान की तैयारी में है जिसके इर्द गिर्द कोई विरोधी ना हो, जहां से मोदी विरोधी पार्टियां बेहद न्यून दिखे। हालांकि ये पीएम मोदी की रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए जीत का एक नया फैक्टर तैयार किया है और ये है डीएम फैक्टर। डीएम मतलब दलित और मुस्लिम। इस बार बीजेपी इन दोनों ही वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ये एयरपोर्ट उसी रणनीति का हिस्सा है। तो यहीं से सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया सियासी समीकरण क्या है, कैसे विरोधी वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने वाली है, मोदी का डीएम फैक्टर कैसे विरोधियों पर भारी पड़ेगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस बार जहां जहां विपक्षी पार्टियों की नजर है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी और पक्की खबर है। मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में करने की मोदी नीति की हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अयोध्या के इस एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने कैसे दलितों को साधने की कोशिश की है। तो अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जिसके बाद इस नए एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या वासियों को और पूरे देश भर को दी जाएगी। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जिस एयरपोर्ट का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होना था, आप उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यानी कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसका नाम बदल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो साफ नहीं, लेकिन हाँ जरूर ये जरूर कहा जा रहा है, चर्चाएं इसको लेकर भी हो रही है, क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, अयोध्या सबके हैं, तो इसीलिए इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट के जरिए दलितों को कैसे सियासी संदेश दिए गए हैं वो समझिए। एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि को दलित समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। वो दलित समुदाय जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे देश में एक अहम फैक्टर है। यूपी में 42 सीटों पर दलित वोट बैंक 20% से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ऐसी 26 सीटें हैं। तमिलनाडु में 21 सीटों पर दलितों का दबदबा है। पंजाब में 13, कर्नाटक में 11, राजस्थान में 10, आंध्र प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 8, बिहार में 6, हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 4 और तेलंगाना में 3 सीटों पर दलित करीब 30% से भी ज्यादा हैं। कुल मिलाकर देश की 173 सीटों पर दलितों का असर है। इनमें से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और इस वोट बैंक की फिक्र हमेशा ही बीजेपी को रही है। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी
भाजपा ने ही बनाया है। देश के सबसे बड़े सूबे में दलितों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा कर मायावती चार बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। अब जरा समझिए कि दलितों के वोट पर सियासत करने वाली कौन कौन सी पार्टियां हैं। यूपी में मायावती की बीएसपी है, यूपी में ही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है, बिहार में पासवान परिवार की दो पार्टियां हैं, बिहार में ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और महाराष्ट्र में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई है। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के साथ ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों को ही दलितों के वोट मिलते हैं, कहीं कांग्रेस, कहीं आरजेडी, कहीं जेडीयू तो कहीं दूसरी पार्टियों को भी दलितों के वोट मिलते आए हैं। लेकिन जब से भगवा सियासत के सेंटर में नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, तब से दलित वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। 2009 में बीजेपी को सिर्फ 12% दलित वोट मिले थे, लेकिन 2014 में यह 24% हो गया और 2019 में 34%। जब 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली तो उसमें उनके दलित सांसद 2014 के मुकाबले 46 से बढ़कर 54 हो गए। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, बीएसपी, एसपी या फिर दूसरी पार्टियों को दलित वोट कम मिले हैं। हालांकि इस बार जब बीजेपी का लक्ष्य 400 के पार जाना है तो दलितों पर फोकस बढ़ा दिया गया है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की तैयारी में है। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी का सनातन धर्म में प्रोग्राम की लीलाओं को अंकित करने में, वर्णन करने में बहुत बड़ा योगदान है। पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष डिरेल्ड है और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इन्हें कई बार नकार दिया है। हर बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। 14, 17, 19, 22 और 24 में हम प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय सीट दर्ज करेंगे। जब बीजेपी ने एयरपोर्ट के जरिए दलित वोट बैंक को साधने का संदेश दिया तो इसे समझने में विरोधियों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। सरकार नाम से हटकर काम की राजनीति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इस सरकार को सद्बुद्धि दे, भाजपा की सरकार को, कि ये जनता के हितों के बारे में सोचे और जनता की सुरक्षा के बारे में सोचे। अब आगे का सवाल यहीं से है कि पीएम मोदी पर दलित समाज का यकीन कितना है, क्या 2019 के मुकाबले ये बढ़ा है या फिर कम हुआ है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी में। ये सच्ची श्रद्धांजलि है वाल्मीकि जी को दी जा रही है और ये कदम बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कदम है, इस काम बिल्कुल वो अदा करते हैं। बहुत खुश हैं जो हमारे गुरु के नाम से वो रखा गया, तो हम तो खुश हैं। खुशी का हमें तो बहुत खुशी हुई है सुन के, बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये तो ऐतिहासिक बस्ती है, उसके नाम से उसको रखा गया है, दिल्ली की सबसे बड़ा मंदिर है ये, और ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है जिसका कोई इंतहा नहीं है और ये बहुत आगे तक अच्छी बात जाएगी। है बहुत खुशी है हमें, बहुत अच्छी खुशी है जो हमारे इधर नाम रखा गया है। जाहिर है बीजेपी 34% के समर्थन को बढ़ाकर 50% के पार ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि चुनावी राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी को नई लकीर खींचनी है तो उसके लिए उन्हें परंपरागत वोट के साथ साथ दलितों के एक मुश्त समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। देश में एक वोट बैंक ऐसा है जो अब भी नरेंद्र मोदी से दूर है। 2019 में जब बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली तब भी उसे मुस्लिम वोट बहुत कम मिले, लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने मुस्लिम के लिए कई तरीके की योजनाएं लाई, ये वो बात कहते हैं। अब 2024 में जीत का टारगेट बढ़ा है तो सिर्फ दलित वोट बैंक पर ही नरेंद्र मोदी की नजर है, ये सही नहीं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिम वोटर्स के लिए हाइब्रिड प्लान तैयार किया है। कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम,
हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सबके साथ साथ सबके विकास और विश्वास की बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधान की अपनी सियासी अदा है ये। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की फिक्र के जिक्र का मोदी मार का तरीका है ये। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले प्रधान सेवक की ये वो परवाह है जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि लखनऊ में जब बीजेपी की बैठक हुई तो मुस्लिमों से दूरी को पाटने के लिए मोदी नाम का पुल बनाने का फैसला हुआ। लखनऊ में 3 दिनों तक हुई बैठक में ये तय हुआ है कि बीजेपी मुसलमानों के बीच में नए नारे के साथ जाएगी। विश्वास की स्याही से गढ़े ये नारे होंगे, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसके अलावा मुसलमानों को जोड़ने के लिए संवाद करने का फैसला हुआ। ये संवाद शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से होगा। हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। नमो मित्र सभी जिलों में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ कार्यक्रम करेगा। अपने इस अभियान के जरिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी को साधने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके जरिए समूचे देश के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश है। ऐसे में सवाल है कि इस बार बीजेपी का फोकस मुस्लिमों पर क्यों है? क्या मोदी की गारंटी पर मुस्लिम भरोसा करेंगे? क्या 2024 में मुसलमानों को बीजेपी कबूल होगा? दरअसल ओपिनियन पोल में जबरदस्त वापसी के संकेत के बावजूद मुस्लिमों से जुड़ाव मोदी के डीएम फैक्टर का हिस्सा है। दलित वोट के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी बीजेपी नए प्लान के तहत मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि मुस्लिम वोट क्यों अहम है बीजेपी के लिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 14.2% आबादी मुस्लिम है। ये देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर असरदार हैं। लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिमों की संख्या भी बेहद कम है। 2014 में मुस्लिमों के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोटरों की तादाद 11% थी। जबकि 2019 में अगड़े मुस्लिम वोटरों की तादाद बढ़कर 7% हो गई, पर ओबीसी मुस्लिम वोट सिर्फ 8% रह गए। 2019 में मुस्लिम वोटर ने क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा यकीन किया। 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसका फायदा दोनों पार्टियों को भी हुआ था और कुल मिलाकर यूपी में 15 सांसद इनके जीते थे, जिनमें सपा के 3 और बसपा के 3 मुस्लिम सांसद मिलाकर 6 सांसद हुए थे। यूं तो इस बार यूपी में मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के टारगेट पर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दलितों के लिए एक अलग प्लान बनाकर रखी हुई है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए सीएम, डिप्टी सीएम के जरिए उसने पिछड़ों को भी साथ लिया है। अब बारी मुसलमानों की है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मुस्लिमों को भी टारगेट कर रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, जिन्हें पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कई सौगातें दी हैं। मसलन 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं, ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए बतौर शादी का शगुन देने का फैसला, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला, महिलाओं के नाम पर मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 31.3% मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ, उज्ज्वला योजना में भी मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। जाहिर है इसी का जिक्र कर बीजेपी 24 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारी की तैयारी में है।
हम भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमको बहुत सहूलियतें दी, हमारे बच्चों को, हमको गैस सिलेंडर भी हमको दिया, राशन भी हमको हर महीने दो बार मिलता था, उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। राशन राशन तो हम लोग का मोदी के तरफ से मिल रहा है, और ये है कि बहुत सुविधाएँ, जैसे लाइट का है बिल बहुत कम आता है, और उनका भी इसीलिए तो हम लोग की तरफ से शुक्रिया तो है ही। हम लोगों की ये सोच है कि 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह, जैसे उन्हीं ने काम किया उस तरह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, और लगातार महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है वो सराहनीय, अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया गया, जिस तरह से राशन वितरण का काम हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी आए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुफ्त राशन योजना के जरिए उन गरीब पसमांदा मुसलमानों को भी पीएम मोदी अपने पाले में करने की तैयारी में हैं, जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं। मौजूदा वक्त में देश में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें पसमांदा मुसलमान करीब 85% है, यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा। अकेले यूपी में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमांदा मुसलमान है। पसमांदा मुसलमानों को अपना वोटर बनाने के लिए तैयार बीजेपी उन्हें कितना कबूल है वो जान लीजिए। मोदी हैं तो सब कुछ है, और मोदी जी की सरकार होने से मुसलमान लोगों को इतना फायदा हुआ है, खास तौर से औरतों को ले लीजिए, 3 तलाक को लीजिए। सबसे पहले मैं 3 तलाक को लेके बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मोदी भाईजान को, कि उससे औरतें अपने घर से बेघर हो जाती थी, एकदम से तलाक दे दी, शौहर ने छोड़ दिया, ना घर की ना घाट की, वही हिसाब औरतों का होता था। 3 तलाक मिलने से इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट औरतों को मिला है। मोदी जी की सरकार जब से आई है, सबसे पहली चीज़ गुंडागर्दी खत्म हुई है, महिलाएं जो असुरक्षित थीं वो आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और हर जगह जा पाती हैं, डरी डरी नहीं रहती हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इस बार और पिछली बार भी और हमेशा ही हम लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितनी योजनाएं उन्होंने हमें दी हैं अभी तक कोई हमें दे नहीं पाया है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों से पीएम मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी यूपी में मुस्लिम वोट पर दावा ठोकती है उसे अब भी यकीन नहीं है कि बीजेपी की नई नीति मुसलमानों को पसंद है। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है, मुसलमानों की सिवाय दिलाजारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं हैं। ये क्यों ऐसा जाल फेंक रहे हैं? वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू गए। मुस्लिम वोट को लेकर आश्वस्त दिख रही समाजवादी पार्टी 2019 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 73% मुस्लिम वोट ले गई थी। कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे, बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि अन्य को 5%। लेकिन इस बार बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को साथ कर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी को सिर्फ मुस्लिम पुरुषों का एक बड़ा वोट बैंक मिल पाएगा। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है ताकि इस बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए वो 400 प्लस के टारगेट को हासिल कर सके। तो देखिए, बदलाव की साक्षी अयोध्या नगरी भी बन रही है। राम मंदिर बनने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। भक्तों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है और इसी के साथ व्यापारियों का कारोबार भी। आज हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अयोध्या की गलियों में थी और हनुमानगढ़ी के पास उन दुकानदारों के पास पहुंची जिनके पास लड्डुओं का जायका दुनिया के मुंह चढ़कर बोलने लगा है, और उनका क्या कहना है अपने लड्डुओं को लेकर, अयोध्या को लेकर, सुनिए जरा।
राम जी का दरबार हो, भक्ति का भाव हो और स्वाद का संसार हो, दुनिया की सबसे उत्तम मिलावट को कौन देखना नहीं चाहेगा। चलेंगे ना, अयोध्या की गलियों में आपका स्वागत है। कारीगर हो या दुकानदार, आजकल सब बिजी हैं। पल भर की फुर्सत नहीं, बेसन छन रहा है, चीनी मिलाई जा रही है और राम जी के पहले हनुमान जी को भोग लगाने की तैयारी है, क्योंकि दुकानों पर एक साथ सैकड़ों क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर जो आ गया है। बेसन के लड्डू बन रहे हैं, मौका अच्छा था, हमारी संवाददाता ने भी लगे हाथ इस विधा को सीखने के लिए हाथ आजमा लिया। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लेकिन हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है लड्डू। और बेसन के लड्डू की बिक्री अयोध्या में किस तरह बदल गई है आपको वो बताते हैं। यानी कि अगर पहले एक दुकान में 1000 लड्डू बिकते थे तो अभी 5000 से ज्यादा बिकते हैं और उनकी तैयारियां इस तरह से चलती हैं। विभिन्न कारखानों में लगातार राम मंदिर की तैयारी इस तरह से है कि करीब कई क्विंटल का ऑर्डर आ रहा है और इस ऑर्डर के साथ कई बातें ध्यान रखी जा रही हैं। अयोध्या की एक नहीं सैकड़ों दुकानें हैं जहां प्रसाद के लिए लड्डुओं के साथ पेड़े तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया अयोध्या में उमड़ रही है, अब खाली हाथ मंदिर तो जाएंगे नहीं, लड्डू ही ले चले। प्रसाद जो है ना बहुत टेस्टी भी होता है और प्लस जो खाने के बाद जो अंदर जो श्रद्धा के भाव आता है, प्रसादी है, खुरचून होता है, ये हम लोग को अच्छा लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। भक्ति भाव से श्रद्धा से हम लोग चढ़ाते हैं, वैसे तो भगवान खाते नहीं है, श्रद्धा भाव से ही खाते हैं। कारोबारियों के लिए तो ग्राहक ही भगवान है, इसलिए उन्हें कौन नाराज करना चाहेगा। विकास गुप्ता की सालों पुरानी लड्डुओं की दुकान है, इस बार 10 क्विंटल से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। आसपास के गाँव के लोग प्रसाद तैयार करवा रहे हैं। ये लड्डू काफी ज्यादा दिन तक चलता है, इसमें पानी नहीं पड़ता, ये बेसन और घी से भूजे जाते हैं और ये साइज छोटे होते हैं इसके, एक किलो में 30 से 40 पीस लड्डू चढ़ते हैं, इसलिए आदमी इसको पूरे गांव में या जगह जगह बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइट होता है, थोड़ा सा फूटने की संभावना नहीं होती है। ये हनुमान जी का प्रसाद है, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या इसके दाम बढ़े हैं, दुकानों की संख्या कितनी है, क्या परिवर्तन आया? दुकानें हमारे यहाँ लमसम अभी मौके पे जो टूटी फूटी उसको छोड़ दीजिए तो 100 दुकानें हैं और पहले से कई गुना बिक्री बढ़ गई। कभी मैंने हम लोगों ने या हमारे माता पिता ने हमारे जो बुजुर्ग हैं कभी सोचे नहीं थे अयोध्या में ये दृष्ट भी देखनी पड़ेगी, ऐसा भी दृष्ट आएगा। उत्साह तो लड्डू बनाने वालों में भी है, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है कारीगरों के भी दिन बदल गए, दिहाड़ी दोगुना तक बढ़ गई और लड्डू बनाने वालों की संख्या भी, एक एक दुकान पर 5-5 लोगों को लगना पड़ रहा है। दिन भर में पहले बनाते थे 1-2 बोरी का, अब बनाते हैं 5-6 बोरी चीनी का, पहले से बहुत हमारा काम बदल चुका है, इसलिए कि राम मंदिर के उद्घाटन के वजह से हमारा आपका काम ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कि हमारे साथ के जो लड़के 1-2 लड़के काम करते थे अब हमारे साथ के 5-6 लोग लड़के आ गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके नेतृत्व में हमारा बहुत ही विकास हुआ है, उनके नाते में हमारी बिक्री भी बढ़ी हुई है और रोजगार भी हुआ है बहुत। अब धीरे धीरे सीख गए हैं, अब स्पीड भी बढ़ चुकी है, अब 1 मिनट में 50 लड्डू बन जाता है और पहले तो 1 को नहीं आवतरा बनावे। खासियत है मतलब जैसे अभी सीखते हैं उम्र से हिसाब से इसको मसल के और इसको करके बनाया जाता है, तब ये बनता है गोल गोल में, तब ये सूख जाता है तो नहीं फूटता है। शुक्रिया मोदी भाईजान। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक और चुनावी दांव सामने आया, जिसके जरिए न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं, बल्कि विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन में जाने वाले मुस्लिम वोटों की कार्ड भी तैयार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया मोदी भाईजान इस नाम से कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है और इस सीट पर हर एक सीट पर बीजेपी इस कार्यक्रम की कमान मुस्लिम महिलाओं के हाथ में देना चाहती है। पहले की जो स्थिति थी मकान मिलने के बाद
फर्क आया है परिवार में? जी जी बिल्कुल फर्क आया है। पहले हम जो है कच्चे मकानों में रहते थे, जो कि गाटर पत्थर के मकान थे, आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। इस टाइम तो बीजेपी सरकार काम बढ़िया कर रही है, तो वोट बीजेपी को जाना चाहिए। तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। पिछले करीब डेढ़ मिनट के भीतर आपने अपनी स्क्रीन पर जो कुछ देखा वो देश के आम मुसलमान और विपक्ष में बैठे मुस्लिम नेताओं के सेंटिमेंट का एक ट्रेलर था। मोदी सरकार ने काफी जगह कार्य किए हैं ऐसे, जो अपनी जनता के लिए, जो जनता को काफी उससे लाभ हुआ है, बहुत फायदे हुए। वो सेंटिमेंट जो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे पर काम करने की बात करते हैं, लेकिन विरोधी मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन। और जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ कुछ महीने का वक्त बाकी रह गया है तो बीजेपी बारी बारी अपना हर चुनावी दांव चल रही है, और ऐसे ही एक दांव का नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। चुनाव से पहले अब्बा जान के नाम पर चढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव की आहट सुनते ही वोटों के लालच में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब शुक्रिया भाईजान पर आ गई। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में धोखा है। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा ने 3 दिन मैराथन बैठक की। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में हर सीट पर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे को लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर शुक्रिया भाईजान मोदी अभियान चलाएगा। कार्यक्रम की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अभियान के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी को कवर करेगा। और वो शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें शौचालय दिया, जिन्होंने हमें घर दिया, राशन दिया, आयुष्मान भारत दिया, उज्ज्वला योजना दी, और उनकी हर चिंता को अपनी चिंता बिल्कुल भाई की तरह अपना ली। उसको जैसे बड़ा भाई होता है, वो किसी बहन को दुख में नहीं देख सकता, उस तरह से मोदी जी ने बहनों की चिंता की। तो मुस्लिम महिलाएं बोली शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी कैंपेन शुरू करने जा रही है और विपक्ष इसे बीजेपी का ढकोसला बता रहा है। 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिलाजारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियां हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं,
कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं हैं। ये क्यों ऐसा जाल फेंक रहे हैं? ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू गए। अब सवाल ये है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों की कितनी जरूरत है? जवाब के लिए आपको सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर का वो सर्वे दिखाते हैं जो यूपी का मूड बता रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन को 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 35% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे में तो बीजेपी विरोधियों से कई कोस आगे दिख रही है। यूपी में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, फिर मुस्लिम वोटों के लिए इतनी कसरत करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो गौर कीजिए जरा इन आंकड़ों पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उस हिसाब से सीटें नहीं मिल रही, और बीजेपी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में ही सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। जो इंडी गठबंधन है उसमें मुसलमान वोटों के 3 दावेदार हैं, कांग्रेस, सपा और बसपा। मुख्य रूप से जो केंद्रीय चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का जो होगा, उसमें मुख्य दावेदार कांग्रेस मानी जा रही है, ऐसी जनमानस में चर्चा है। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी इस रेस में क्यों पीछे रहना चाहे और अपने संदेश को मुसलमानों के खिलाफ क्यों गलत देना जाने देना चाहे, इसीलिए उसने ये तय किया है कि हमें मुस्लिम वोट भी हासिल करने हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां न सिर्फ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं बल्कि मुसलमानों की आबादी भी खासी बड़ी है। 19% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 3,46,00,000 मुसलमान हैं, और यूपी की 80 में से 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। दरकार हो न हो, बिंदु बिंदु से सिंधु भरता है, ये पुराना नारा है और पुराना एक सूत्रवाक्य है। तो जब हम ये जानते हैं कि हमें एक वोट भी हमारे लिए फायदेमंद है और हमें उस वोट पर उस वोट को हासिल करने का अवसर है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि हम मजबूत हैं, उस मजबूती में और मजबूती पैदा कर दें। और यही कड़ी है इस शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे के पीछे, यही एक मंशा है, यही एक अवधारणा है। उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे, बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, एसपी और बीएसपी के गठबंधन को 73% वोट मिले थे, जबकि अन्य को 5%। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन में है और वहां भी प्लेयर्स को जोड़ने की रणनीति बन रही है। ऐसे में विपक्ष के पाले में मुस्लिम वोटों के जाने से रोकने के लिए बीजेपी मोदी के नाम से कैंपेन चलाने जा रही है, लेकिन इस कैंपेन पर उत्तर प्रदेश की आम मुसलमान जो है उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ। मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। लॉकडाउन में तो 2 बार राशन मिला हम लोगों को, हर महीने 2 बार मिलता था, फ्री मिलता था, पैसे भी नहीं देना पड़ते थे। ये उत्तर प्रदेश की आम मुस्लिम महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। हम भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमको बहुत सहूलियतें दी, हमारे बच्चों को, हमको गैस सिलेंडर भी हमको दिया, राशन भी हमको हर महीने 2 बार मिलता था, उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। राशन तो हम लोग का मोदी के तरफ से मिल रहा है, और ये है कि बहुत सुविधाएं, जैसे लाइट का है बिल बहुत कम आता है, और उनका भी इसीलिए तो हम लोग की तरफ से शुक्रिया तो है ही। चेहरे बदलते जा रहे हैं लेकिन सेंटिमेंट नहीं, मोदी सरकार के काम से मुस्लिम महिलाएं गदगद दिखी।
प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और लगातार महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है वो सराहनीय। अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया गया, जिस तरह से राशन वितरण का काम हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी आए। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर होने वाले कार्यक्रम में 1000 मुस्लिम महिलाओं को बुलाने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में हमने मुस्लिम महिलाओं से पूछा कि आखिर वो क्यों मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। हम लोग इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इससे पहले भी जैसे आंगनवाड़ी होता था हम लोगों का, तो महिलाएं सब सरकारों में बाहर जाती थी अपने बच्चों को छोड़ के, लेकिन आज आंगनवाड़ी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना दी है ना कि उसमें 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एक रहने की व्यवस्था अलग है, जहाँ पे महिलाएं काम करेंगी वहीं पर उनको रखा जाएगा, उनकी सेहत का और खाने पीने का, पालन पोषण का, उसके बाद जो नहीं है उनको पढ़ाई की भी परवरिश का पूरा पूरा जो नहीं योगदान मिल रहा है। लिस्ट काफी लंबी है, घर से लेकर सिलेंडर और मुफ्त राशन तक और आंगनबाड़ी से लेकर 3 तलाक तक का नाम लेकर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं मोदी को थैंक यू बोल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में मुसलमानों के लिए 14 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिए 33 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं। हमको गल्ला मतलब मिल रहा है मोदी की तरफ से, और सिलेंडर चूल्हा मिला हुआ है बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग का भाई गल्ला मिल रहा है, अच्छे से दे रहे हैं, 4 साल हो गया है मिलने। राशन मिला हुआ है, बहू के चूल्हा गैस मिला हुआ है जी। अब एक आगे अगर मैं थोड़ा सा रोजगार पर ध्यान दे दें मोदी जी तो थोड़ा सी और अच्छी बात है। आवास के बाद मुफ्त राशन मिलने से भी देश के गरीब बेहद खुश है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने देने की योजना है। अप्रैल 2020 में शुरू हुई ये योजना 7 बार बढ़ाई जा चुकी है। जनवरी 2023 में इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सिर्फ 2023 में इस योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा, जबकि 5,91,000 करोड़ का कुल खर्च आने का अनुमान है। कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।